आज हम लोग इस फंक्शन का रीमान इंटीग्रेबल निकालेंगे। और आप एक बात ध्यान में रखना कि इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। मैंने आपको बताया ना, रीमान इंटीग्रेबल में दो तीन टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो ये टाइप का क्वेश्चन है ना, वो अक्सर देखो यहाँ पर ही पूछा गया है, यहाँ पर ही पूछा गया है, यहाँ पर ही पूछा, मतलब ये क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना है। ठीक, आप यहाँ ध्यान देना तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पर मेरा कोई फंक्शन दिया हुआ है जो इस कंडीशन को होल्ड करता है। कौन सा फंक्शन है? एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पर पावर n। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको समझना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है और हमको निकालना क्या है, पहले इसको समझने का प्रयास करो, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक, यहाँ फंक्शन ये दिया हुआ है, ये इस कंडीशन को होल्ड करता है कि x का वैल्यू 1/2 पर पावर n से छोटा या उसके बराबर और बड़ा या उसके बराबर है 1/2 पर पावर n+1 का। जब x का वैल्यू इस कंडीशन को होल्ड करे तो एफ एक्स का वैल्यू 1/2 पर पावर n होगा, जहाँ पर n का वैल्यू 0, 1, 2 इस तरह से चल रहा है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, द गिवन फंक्शन f कैन बी रिटन एज, किस रूप में? एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा जब हम लोग n का वैल्यू 0 पुट करेंगे। जैसे ही n का वैल्यू 0 पुट किए, 1/2 पर पावर 0 मतलब 1/1, एंड यहाँ पर भी x का वैल्यू में n का मान 0 पुट करेंगे तो 1/2। जब x का वैल्यू 1 और 1/2 के बीच में हो, समझना है हम क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच में कोई फंक्शन का वैल्यू है। जब x का वैल्यू 1/2 से 1 के बीच में होगा, उस कंडीशन में एफ एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा? यहाँ पर n का वैल्यू 0 पुट करो तो 1/2 पर पावर 0 इक्वल टू 1/1, मतलब एफ एक्स का वैल्यू 1 निकलेगा जब हम लोग x का वैल्यू इस सब इंटरवल के बीच में पुट करते हैं तो। एंड अगेन n का वैल्यू आप 1 पुट करो व्हेन x का मान 1/2 और 1/2 स्क्वायर के बीच में, 1/2 और 1/2 स्क्वायर के बीच में जब x का वैल्यू होगा, उस कंडीशन में एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा? यहाँ n का वैल्यू 1 पुट करो तो 1/2 होगा। एंड इसी तरह आपको जब हम लोग x का वैल्यू 1/2 स्क्वायर से 1/2 क्यूब, जितना यहाँ पावर है उससे एक अधिक पावर इधर है, 1/2 स्क्वायर से 1/2 क्यूब के बीच में होगा, उस कंडीशन में यहाँ देखो जो पावर यहाँ पे ले रहे हैं वही पावर यहाँ पे भी हो रहा है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पर 1/2 स्क्वायर लिए हैं तो यहाँ पर वैल्यू 1/2 स्क्वायर ही होगा, तो एफ एक्स का वैल्यू हो गया 1/2 स्क्वायर। यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई होंगी आपको। अब थोड़ा ध्यान से समझना, जब एफ एक्स का वैल्यू 1 था, मान लो 1 यहाँ पे, जब एफ एक्स का वैल्यू 1 था उस कंडीशन में x का मान कहाँ से कहाँ तक लिए थे? इस 1/2 से 1 के बीच में लिए थे, यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू 1 है। एंड जैसे ही 1/2 से 1/2 स्क्वायर के बीच में x का वैल्यू लिए तो एफ एक्स का मान 1/2 हो गया, मतलब यहाँ पर आ गया इस पॉइंट पर, 1/2 पॉइंट पर ये तो डिसकंटिन्यूस हो गया। इस तरह सारा पॉइंट जो जो कॉमन है 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, इस तरह सारे पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो डिसकंटिन्यूस पॉइंट ये सारा है, तो क्लियरली द फंक्शन एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूस एट द पॉइंट, किस पॉइंट पर? 0, 1/2। अब आप बोलो भैया 0 पर डिसकंटिन्यूस क्यों है? क्यों? अरे भाई अच्छे से समझना, अभी मैंने कहा यहाँ पर जैसे जैसे इसको घटाते चलेंगे तो अंतिम जो टर्म होगा कब? जब इस टर्म में 1/2 पर पावर n जो फंक्शन का वैल्यू है, इसमें अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे तब ना ये आपका 1/∞ और 0 आएगा। मतलब जब हम लोग इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तब वैल्यू 0 के करीब आ रहा है, समझना, मतलब इन्फिनिटी पर 0 के करीब। अब इन्फिनिटी में हल्का सा कम भी रहेगा फिर भी वो 0 के करीब, तो यहाँ पर 0 भी जो है आपका डिसकंटिन्यूस पॉइंट के एरिया में आ चुका है। ठीक, 0 हो गया, 1/2 हो गया, 1/2 स्क्वायर हो गया, 1/2 क्यूब हो गया, इस तरह से जो आपका स्टेट बन रहा है ना, इसमें बहुत सारा पॉइंट होगा और ये सारा पॉइंट जितना पॉइंट जैसे जैसे इसको बढ़ाते चलेंगे 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, ये धीरे धीरे 0 के करीब आते जाएगा, ये 0 को टेंस करते चलेगा, मतलब इसका जो लिमिटिंग पॉइंट है वो 0 हो रहा है। और मैंने बताया था जब डिसकंटिन्यूस पॉइंट का लिमिटिंग पॉइंट एग्जिस्ट करता हो तो उस कंडीशन में उसका हम लोग रीमान इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर देयरफॉर द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज ओनली वन लिमिटिंग पॉइंट 0।
इसका मतलब हो गया डैट इज द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज फाइनाइट लिमिटिंग पॉइंट। दैट्स क्लियर। मतलब ये थ्योरम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। इस थ्योरम के अनुसार मेरा फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हो गया। अगर फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल हुआ मतलब इसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। मतलब इसका हम लोग अब रीमान इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलो नाउ इतना सा आपको सब में करना, जो भी फंक्शन दिया होगा उस फंक्शन के अनुसार यहाँ तक तो करना ही आपको, यहाँ से चेंज होगा। अब देखो, अब हम लोग एफ एक्स का इंटीग्रेशन निकालेंगे कहाँ से कहाँ तक में, कहाँ से कहाँ तक में, समझना। इसका जो सबसे अंतिम पॉइंट होगा जीरो, जीरो आखिर है क्या, समझ रहे हो जीरो क्या है। जब हम लोग 1/2 पर पावर n, यहाँ दिख रहा होगा आपको 1/2 पर पावर n, जब इस n को हम लोग इन्फिनिटी पर ले जाएंगे तो 1/2 पर पावर इन्फिनिटी मतलब 1/∞, मतलब जीरो। n जब इन्फिनिटी पर गया उस कंडीशन में ये वैल्यू जीरो के करीब था। तो जीरो से लेके हमको 1 तक का इंटीग्रेशन निकालना है, डैट इज 1/2 पर पावर n से लेकर के हमको 1 तक का इंटीग्रेशन निकालना होगा, 1/2 पर पावर n से 1 तक का। चलो निकालते हैं एफ एक्स डी एक्स से लास्ट का सिर्फ एक टर्म लिखेंगे, 1/2 पर पावर n से 1/2 पर पावर n माइनस 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस डॉट डॉट, हटा दिए सबको। अब यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ देखो 1/2 क्यू से 1/2 स्क्वायर, इस पर एफ एक्स का वैल्यू, अच्छा बाद में पुट करेंगे, रहन दो अभी। एंड नेक्स्ट 1/2 स्क्वायर से 1/2, इस पर ही फंक्शन का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है लेकिन अभी नहीं लिखेंगे। एंड 1/2 से 1 एफ एक्स डी एक्स, समझ में आ गया आपको। एंड आप यहाँ पर ध्यान दो, बारी बारी से सब में एफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। यहाँ देखो, आप यहाँ देख रहे हो कि अगर, यहाँ देखना, अगर हम लोग 1/2 से 1 ले रहे थे उस वक्त फंक्शन का वैल्यू 1 आया, मतलब अपर लिमिट फंक्शन का वैल्यू हो रहा है। यहाँ पे देखो 1/2 स्क्वायर से 1/2 लिए थे तो फंक्शन का वैल्यू 1/2 आया था, मतलब अपर लिमिट। इसमें भी देखो 1/2 क्यू से 1/2 स्क्वायर, फंक्शन का वैल्यू अपर लिमिट। तो यहाँ पर ही फंक्शन का वैल्यू अपर लिमिट होगा। ओके ओके, चलो 1/2 पर पावर n माइनस 1 डी एक्स, इसी तरह चलते जाना है। यहाँ पर भी वही काम करना है जो काम वहाँ पर किए थे, 1/2 स्क्वायर डी एक्स प्लस ला 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 1/2 डी एक्स प्लस एंड 1 डी एक्स, एंड सबका इंटीग्रेशन कर देते हैं। ओके, ये कॉन्स्टेंट टर्म, इसको बाहर निकालो। एंड डी एक्स बचा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स, और लिमिट मेरा ये, लिमिट भी रख देते हैं। थोड़ा सा समझना होगा, यहाँ ध्यान देना होगा थोड़ा सा आपको अच्छे से, तब तो समझ में आएगा। 1/2 स्क्वायर कॉन्स्टेंट टर्म, इसको बाहर निकालो, एंड अंडर में एक्स 1/2 क्यू से 1/2 स्क्वायर, एंड 1/2 को बाहर निकालो, एक्स 1/2 स्क्वायर से 1/2, इसी तरह चलना है। एंड सब में अपर लिमिट और लोअर लिमिट को घटाओ, एक्स के जगह पर सबको पुट करना है। तो यहाँ पुट करेंगे तो 1/2 पर पावर n माइनस 1 माइनस 1/2 पर पावर n प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस 1/2 क्यू। एंड यहाँ देखो आप 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2। अब बहुत ईजी सा फंडा, सब का पहला टर्म को हम लोग एक जगह लिखेंगे, जो जो पहला टर्म है उसको एक जगह, फिर जो दूसरा टर्म है उसको अगले जगह, मल्टीप्लाई करने के साथ साथ, ठीक है। यहाँ देखो आप, एक प्यारा सा बक्सा बना लिया जाए जिसके अंदर हमको कैद करना है किसको, सारे पहले टर्म को। पीछे से लिखेंगे, पहले 1 तो 1, फिर प्लस 1/2 गुना 1/2, 1/2 स्क्वायर, इसका 1/2 पर पावर 4 डॉट 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 प्लस 1/2 पर पावर 2 इंटू एन माइनस 1। डैट्स क्लियर, ये पहला टर्म हो गया। एंड इसी तरह सेकेंड टर्म जो कि सब में माइनस है, तो सब से माइनस पहले कॉमन ले लेंगे। दैट्स क्लियर। फिर देखो 1/2 1/2 एंड अगेन प्लस 1/2 क्यू प्लस 1/2 पर पावर 5। इसी तरह देखो, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। एंड 1/2 पर पावर 2n माइनस 1। ओके, यहाँ तक में तो कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बहुत ही सा फंडा है, देखो आप, अभी हमारा जीपी में आ चुका है भाई, जीपी है, हम लोग देखे हैं जीपी में क्या होता है। a इंटू 1 माइनस आर पर पावर n बटे 1 माइनस आर, जब r लेस देन 1 हो, r लेस देन 1 है, जब इसका आप रेशो निकालोगे तो इसका वैल्यू लेस देन 1 ही होगा। एंड a इंटू 1 माइनस आर पर पावर n, तो इसका डिफरेंस कितना हो गया, 1/2 स्क्वायर पर पावर n ला 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 बटे 1 माइनस आर। 1 माइनस आर का वैल्यू वही है 1/2 स्क्वायर माइनस, चलो 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 चलते हैं, सेम वही फंडा यहाँ पर लगेगा, 1/2 इंटू 1 माइनस, इसका भी आप जब रेशो निकालोगे तो 1/2 स्क्वायर ही निकलेगा।
एंड पर पावर एन है ना, ठीक, बटे वन माइनस आर। इसको सॉल्व करो तो क्या होता है देखते हैं। तो वन माइनस देखना, वन बटे टू पर पावर टू एन बटे वन माइनस वन बटे फोर माइनस वन बटे टू इंटू वन माइनस वन बटे टू पर पावर टू एन बटे वन माइनस वन बटे फोर। एंड इसको घटाओ तो क्या होगा, थ्री बाय फोर, यहाँ पे भी थ्री बाय फोर, इसको लिखते हैं थ्री बाय फोर करके, ठीक है, इधर लिखते हैं फिर आगे सॉल्व करेंगे। थ्री बाय फोर करके हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं, अब इसको ऊपर ले जाते हैं। तो फोर बाय थ्री इंटू वन माइनस वन बटे टू पर पावर टू एन माइनस वन बटे टू, तो पहले से मल्टीप्लाई था एंड फोर बाय थ्री और मल्टीप्लाई में आ गया। यहाँ तक तो हो भी गया। एंड आप यहाँ देखोगे तो ये टर्म और ये टर्म दोनों में कॉमन आ रहा है, क्यों ना कॉमन ले लिया ही जाए। आजा 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 कॉमन में तू तो आजा, ला 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 ला। यहाँ पर वन बाय टू बचा तो वन बाय टू से मल्टीप्लाई भी कर दो ना, टू बाय थ्री। या ये वैल्यू निकाल किसका रहे हो आप, ये वैल्यू निकाल रहे हो एफ एक्स का, कब, जब हम लोग इसका जीरो से वन मतलब वन बाय टू पर पावर एन से जब इसका वैल्यू वन के बीच में निकाल रहे थे इंटीग्रेशन, उस कंडीशन में इसका वैल्यू ये आया, ठीक है। बड़े ध्यान से यहाँ ध्यान देना है आपको, अच्छे से देखो आप। अब हम लोग इसमें एन का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं, पहले क्यों नहीं पुट कर रहे थे, क्योंकि अनडिफाइन हो रहा था इसलिए नहीं पुट कर रहे थे। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वन बटे टू पर पावर टू एन एंड वन, इसमें एन का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करते हैं, करत करत होत अभ्यास, वन बटे इन्फिनिटी जीरो, हाँ 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 जीरो पहले पुट कर, इसमें भी एन का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये जीरो ही बन जाएगा ना। अच्छा कोई बात नहीं, जीरो से वन एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू टू बाई थ्री, ये वैल्यू निकला टू बाई थ्री, यही शायद निकालना भी था, देखो तो टू बाई थ्री था ना, इसे आंसर नहीं दिया हुआ, कोई बात नहीं, इसका वैल्यू टू बाई थ्री आया, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।